हैदराबाद की समस्या आगे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि गांधी जी का वध करूंगा तो मैं स्वयं जड़ सहित नष्ट हो जाऊंगा, किंतु इतना होने पर भी मैंने निश्चय किया कि मैं स्वयं जड़ से उखड़ जाऊं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु ये व्यक्ति जीवित नहीं रहने पावे। तो इसलिए 30 को मैंने हाथ में पिस्तौल लिया और गोली दागी, फिर मैंने हाथ ऊपर किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस तो दो मिनट तक पुलिस आ नहीं बढ़ी, किंतु बाद में एक सज्जन की दृष्टि गई, वो ऊपर ही ऊपर मेरा हाथ पकड़ा और गांधी जी ने कहते हैं हे राम कहा। उस समय ही नहीं हे राम कहने का उनको मिला। ऐसा है, ये जो मशीनरी यहाँ से दिमाग मस्तिष्क तक जाती है तो वो कट गई थी, और कट जाने से वो शब्द कौन पहुँचाएगा, संदेशा कौन पहुँचाएगा भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर मुख को संदेशा कौन देगा कि भाई मुख से ये उच्चारण करो, और वो देख भी नहीं पाए थे क्या हो रहा है। हाँ, किंग्सले जिसने गांधी का काम किया है वो अवश्य बोला, किंग्सले सिनेमा है ना गांधी, बेन किंग्सले, क्योंकि उसको पता है सामने वाला व्यक्ति क्या करने वाला है और मैंने क्या रिएक्शन देनी है, वो उसका कंठ था। गांधी को पता थोड़ी था सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। और दूसरी बात सोचने की ये है कि सारे जन्म भर गांधी ने हिंदुओं के मुंह पर क्या ठूसा है, ईश्वर अल्लाह, कृष्ण करीम, राम रहीम, तो यदि मुख में ही डालना था तो राम रहीम ये गांधी के अंतिम शब्द थे, ये बोलने से वो सेक्युलर बन जाता, ये तो हिंदू बना, फिर मरते समय राम का नाम हिंदू ही लेता है, तो उसका राम रहीम संदेश वह झूठा था। तो इसलिए ये जो उनके मुख में डाला है ये एक तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन है गांधी का, क्योंकि उनको सेक्युलरिज्म से हटा के एकदम सांप्रदायिक बना दिया, किंतु कांग्रेस को राम कार्ड खेलना था, वो पहला राम कार्ड खेले वो चुनाव के लिए, क्योंकि हिंदू भी हमारे साथ है या गांधी हिंदू थे ये दिखाने के लिए उन्होंने मुंह में राम ठूस दिया।